मेजर और माइनर सब्जेक्ट की नॉलेज आपको चाहिए आप बीएड की एडमिशन के लिए जब फॉर्म फिल कर रहे हो। ये बात याद रखनी है कि मेजर सब्जेक्ट वो है जो आपने कम से कम 2 इयर्स के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये प्रॉस्पेक्टस में साफ लिखा है, ग्रेजुएशन बैचलर और मास्टर लेवल पर आपने 2 साल कम से कम पढ़ा है, वो आपका मेजर सब्जेक्ट हो गया। और माइनर सब्जेक्ट क्या है, जो आपने कम से कम 1 ईयर के लिए, जहां कई जगह वो 1 सेम भी है, तो 2 साल आपने अगर कोई स्कूल सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप बीएड के लिए एलिजिबल हो, साथ में दूसरा मिनिमम 1 ईयर के लिए पढ़ा हो। लेकिन ये बात याद रखनी है, जब आपने अप्लाई करना है तो आप सिर्फ मेजर सब्जेक्ट के साथ यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहे हो। माइनर सब्जेक्ट आपने जब जो कॉलेज अलॉट हो गया, उस कॉलेज ने आपके सर्टिफिकेट्स देख के, डीएमसी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के देख के कम से कम आपने 1 साल या जो उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी बनती है, अगर 1 सेमेस्टर बनती है तो वो पढ़ा है, तो वो आपको ऑप्शन देंगे कि आप 1, 2, 3 आप इन माइनर में से कोई एक ले सकते हो। इसका मतलब है कि माइनर सब्जेक्ट कॉलेज के टीचर एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद आप डिसाइड करोगे। वहां गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत होती है कि अगर आपके 2, 3, 4 बनते हैं तो उसमें से कौन सा आपने चूज करना है। अभी तक जब तक आप एडमिशन काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है तब तक आप सिर्फ मेजर सब्जेक्ट की फिक्र कीजिए। हाँ जी, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 1 माइनर सब्जेक्ट हो। अगर आपके सर पास सिर्फ 1 मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट आपने 1 सेमेस्टर या 1 ईयर के लिए नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब है आप फिर बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हो। हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ने प्रॉस्पेक्टस में कौन कौन से हमें ब्रॉड कॉम्बिनेशन दिए हैं। ये ऊपर मेजर, आप इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो, ये मेजर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसकी शायद आपको कम जरूरत है, आपको कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कमेंट बॉक्स में बार बार मुझे पूछा जा रहा है, तो इनमें आप अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, फॉर एग्जांपल अगर आप बीएससी मेडिकल हो तो आपके ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, साइंस के साथ लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी जो आपने कम से कम 1 साल पढ़ी हो, जैसे आपने जनरल इंग्लिश पढ़ी होती है, पंजाबी पढ़ी होती है, अगर आपने कोई और भी पढ़ी है, एडिशनल कोई लैंग्वेज पढ़ी है, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। इसका मतलब है साइंस और लैंग्वेज, यहां भी लैंग्वेज आती है, आपने खुद देखना है कि मैंने कौन सी लैंग्वेज ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी है। ऐसे ही बीएससी मेडिकल के दूसरे क्या बनेंगे, साइंस एंड लाइफ साइंस, लाइफ साइंस एंड लैंग्वेज, लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस, साइंस एंड फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका बीएससी नॉन मेडिकल, जिन बच्चों ने पढ़ी है वो किन सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, साइंस के साथ लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी जहां कोई और पढ़ी है, साइंस के साथ मैथ्स, फिजिकल साइंस के साथ लैंग्वेज, फिजिकल साइंस के साथ मैथ्स, फिजिकल साइंस के साथ साइंस, साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन, अच्छा अभी बाकी है, फिजिकल साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एजुकेशन, ये बात याद रखनी है, कंफ्यूज करेगी। एक यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर एजुकेशन बोला जाता है, दूसरी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर बोला जाता है। तो और कॉम्बिनेशन बीएससी नॉन मेडिकल का कौन सा है, मैथ्स एंड लैंग्वेज, कंप्यूटर और लैंग्वेज। बीएससी होम साइंस का 2 कॉम्बिनेशन है, होम साइंस एंड लैंग्वेज, होम साइंस एंड साइंस, मोस्टली बच्चे होम साइंस एंड लैंग्वेज लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमर्स ग्रेजुएट के साथ, कॉमर्स इकोनॉमिक्स मोस्टली ये चलता है, दूसरा कॉमर्स लैंग्वेज, कॉमर्स लैंग्वेज में से मोस्टली बच्चे इंग्लिश लेते हैं। नेक्स्ट है बीसीए बीएससी आईटी ग्रेजुएट, कंप्यूटर एजुकेशन या कंप्यूटर के साथ लैंग्वेज, कंप्यूटर एजुकेशन के साथ मैथ्स।
अच्छा, आर्ट्स के जो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं बीएड में, आर्ट्स ग्रेजुएट बीए, बीए एलएलबी, ये मेरे ख्याल में वो हो गया इंटीग्रेटेड जिन्होंने की है ना, एसएसटी लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज, ये स्टार इसलिए है कि वो कॉम्बिनेशन कई बार यूनिवर्सिटी के मुताबिक देखना पड़ता है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, 2 साल पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो मेजर सब्जेक्ट बन गया, तो वो मेजर सब्जेक्ट ऊपर दी गई लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स एंड लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स एंड मैथ, मैथ्स एंड लैंग्वेज, हिस्ट्री लैंग्वेज, ज्योग्राफी लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस लैंग्वेज, म्यूजिक लैंग्वेज, फाइन आर्ट्स लैंग्वेज, एसएसटी फिजिकल एजुकेशन, ऑड कॉम्बिनेशन है, फिजिकल एजुकेशन एंड लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन एंड हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन एंड लैंग्वेज, होम साइंस एंड लैंग्वेज, पब्लिक एड एंड लैंग्वेज, एग्रीकल्चर एंड लैंग्वेज, ये थे टोटल कॉम्बिनेशन। और ये जान लीजिए ये सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आर्ट्स इन बीएड, 13 सब्जेक्ट प्रॉस्पेक्टस में दिए गए हैं, इनमें से अगर आपने 2 सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट पढ़े हैं, 1, 2, 3 और 4, फिर आप हर यूनिवर्सिटी में एसएसटी के कॉम्बिनेशन के लिए एलिजिबल हो, ये बात याद रखनी है। हमने जो कैंडिडेट हो आप 90% में ये चारों में से 2 बड़ी होती है, अगर नहीं बड़ी हो है तो आप अगर 1 पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में 1 सब्जेक्ट के साथ एसएसटी ले सकते हो। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आपको आपने अगर अकेली हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको टीचिंग ऑफ हिस्ट्री मिलेगा, टीचिंग ऑफ एसएसटी नहीं मिलेगा, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में 1 सब्जेक्ट के साथ आपको एसएसटी मिल सकता है। अब आप खुद देख लीजिए, आपने अगर 2 पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अगर आपने 1 ऑप्ट करना है, जैसे कई हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ी है लेकिन वो हिस्ट्री के बनना चाहते हैं, पिछले वीडियो में मैं ये बता चुका हूं कि किसका फायदा है, ज्यादा फायदा क्योंकि एसएसटी की पोस्ट ज्यादा निकलती है, हिस्ट्री की अकेली 10+1-2 के लिए, ज्योग्राफी की 10+1-2 के लिए, ये बता चुका हूं पिछले वीडियो में, पोस्ट निकलती है, ये अगर 1000 निकलती है तो ये सिर्फ 30 के करीब निकलती है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से टीचर इसमें सब्जेक्ट में से बनना है। नेक्स्ट बात ये भी है कि आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। अगर आप हिस्ट्री ज्यादा इजी फील करते हो तो आप जा सकते हो। देखिए, आपने प्रोफेशन चूज करना है, टीच करना है, तो आपका सब्जेक्ट के साथ लगाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हाई नॉलेज किसमें है, उस 2 क्राइटेरिया हो गए, हाई नॉलेज और इंटरेस्ट आपका किसमें ज्यादा है, ये बात हो गई। तो इसके अलावा अगर आपने सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, डिफेंस, रिलीजियस स्टडी, सोशल वर्क, कम्युनिटी एजुकेशन में से अगर कोई 2 पढ़े हैं, फिर भी आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो। ये कमेंट बॉक्स में एक मैडम ने पूछा था, इसलिए इनकी डिटेल अभी आपको बता दी है। नेक्स्ट है, ये बात बताई है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में आपको देखो 1 सब्जेक्ट ही पढ़ा हो तो एसएसटी मिल जाएगी। अगली बात, ये 3-4 सब्जेक्ट हैं, पब्लिक एड, टीचिंग ऑफ पब्लिक एड 10+1-2 के लिए जिन्होंने टीचर बनना है, टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी जिन्होंने ऑप्ट करना है, टीचिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में इन स्टूडेंट्स के लिए कोई सीट नहीं है, ये उन कॉलेजेस में नहीं दिए गए। नेक्स्ट है ऑनर वाले, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं ऑनर, जिन्होंने लैंग्वेज पढ़ी है वो मोस्टली मेजर सब्जेक्ट के लिए ही लैंग्वेज लेंगे।
और वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई कर सकते, उनको पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वहाँ अवेलेबल अगर होगा भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल में एक आदमी होगा, वैसे नहीं है, ये डिबेटेबल रहा है। आपका क्या है कि जैसे आपने एक मेजर आपने जैसे अगर इंग्लिश ऑनर की हुई है तो आपका मेजर इंग्लिश हो गया, उसके साथ आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है एक साल के लिए, वो कई बार लैंग्वेज कई यूनिवर्सिटी दोनों में से पंजाबी और पंजाब में से लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज भी देते हैं, जैसे यहाँ सिक्स्थ पॉइंट में लिखा है कि अगर आपने शास्त्री ज्ञानी प्रभाकर ऑनर इन लैंग्वेजेस है ना, तो जो जिन्होंने ये किया हुआ है वो टू लैंग्वेजेस को लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन ये बहुत यूनिक होता है ये ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दूसरी लैंग्वेज उन्होंने मिनिमम 1 ईयर और 1 सेमेस्टर, ये हो सकता है एक यूनिवर्सिटी में 1 ईयर हो दूसरी में 1 सेमेस्टर हो, इसलिए हम 1 ईयर लेके चल रहे हैं, ऑनर प्लस 1 ईयर कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आप लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, शायद बहुत कम कॉलेजेस में होगा पंजाबी यूनिवर्सिटी और पटियाला में, नॉट एप्लीकेबल इन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। सो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में कॉम्बिनेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कम मिल रहे हैं, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं तो उनको केयरफुली गाइडेंस की जरूरत है, वो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं स्पेशल उनको इंडिविजुअली भी गाइड कर दूंगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव डन ऑनर इन लैंग्वेजेस सच एज हिंदी इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट, ये बात हो चुकी है। नेक्स्ट है बी ई या बी टेक जिन्होंने की है उनके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, मैथ्स लैंग्वेज साइंस लैंग्वेज कंप्यूटर एजुकेशन एंड लैंग्वेज साइंस कंप्यूटर एजुकेशन एंड मैथ्स साइंस एंड मैथ्स, एडमिशन टू बीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ये मेरे ख्याल लुधियाना में एक कॉलेज है, शायद पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में ये पढ़ता है, उनके लिए जो स्पेशल एजुकेशन उनको बोलते हैं जो पर्संस विद चाइल्ड विद डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, जिसको दिव्यांग भी बोलते हैं, सिर्फ उन बच्चों को टीच करने वाले टीचर अगर आपने बनना है तो ये बहुत कम सीट्स होती हैं। जो इन्होंने एमएससी की हुई है, कई बार ग्रेजुएशन के बेस पर आप एलिजिबल नहीं होते लेकिन मास्टर डिग्री के बेस पर आप एलिजिबल होते हो, तो आपके पास अगर आपने फिजिकल साइंस लेनी है, अगर आपने फिजिकल साइंस ऑप्ट करना है टीचिंग ऑफ, तो आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, या केमिस्ट्री जियोफिजिक्स ऑनर इन फिजिकल साइंस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मेडिकल फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स एंड फिजिक्स, ये वाले फिजिकल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने ऑप्ट करना है लाइफ साइंस तो आपने इनमें से सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, एग्रीकल्चर बायोफिजिक्स बायोलॉजी बॉटनी इकोलॉजी एंटोमोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस जेनेटिक्स ऑनर इन लाइफ साइंस ह्यूमन बायोलॉजी ह्यूमन जीनोमिक्स मेडिकल फिजिक्स माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है अभी, माइक्रोबायोलॉजी न्यूक्लियर मेडिसिन सिस्टम बायो एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स जूलॉजी, अगर आपने ऑप्ट करना है टीचिंग ऑफ साइंस तो आप एग्रीकल्चर एंथ्रोपोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री इकोलॉजी एंटोमोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस जेनेटिक्स जियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी नैनोटेक्नोलॉजी न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स जूलॉजी, इनमें से सब्जेक्ट पढ़े हो तो ये आपके कॉम्बिनेशन, अगर मास्टर डिग्री में आपने साइंस में किया है तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।